भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर धमकी देने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार ने नई फेडरेशन का निलंबन किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 2 से 4 दिनों से हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग बच्चों का हक मार रहे हैं और उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लिया और मैं चाहती हूं कि मेरे बाद आने वाली बच्चियां मेरा सपना पूरा करें, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूं कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे या बच्चियों का कोई नुकसान हो। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। देखो, अभी के लिए तो मैं बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जब से ये सब हुआ है, मुझे भरोसा नहीं था कि ऐसा होगा, दोबारा से उसी का आदमी आएगा। मैं परेशान हूँ, मैंने संन्यास लिया है। अभी मेरा सिर्फ यही है कि जो जूनियर बच्चे बच्चियाँ हैं उनका नुकसान ना हो और वो जो आने वाले टूर्नामेंट है वो खेले, क्योंकि बहुत सारा है कि हाँ, प्रोटेस्ट को बदनाम भी कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ जूनियर बच्चों का हक खा रहे हैं। तो मैं अभी के लिए नहीं कह सकती हूँ कि मैं क्या करूँगी आगे। बाकी मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि आपने सब देख लिया है प्रक्रिया, उसकी भी बेहूदगी देख ली है, वापस से वो ना आएगा, नहीं आएगा तो बच्चे बच्चियों के लिए बेहतर होगा। नहीं देखो, मैं एक, आपको पता है, 1 साल से मैं कितनी मेंटली और फिजिकली सब तरीके से परेशान हूँ। तो ये बारे में मैं नहीं कह सकती कि मैं आऊँ। मैं चाहती हूँ कि अगर महिलाओं की भागीदारी होगी और फेडरेशन में कुछ महिलाएं होंगी तो बच्चियों के लिए इजी हो। देखो, मेन होता है प्रेसिडेंट जो रेसलिंग फेडरेशन को चलाता है, और जो अनीता थी वो कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, काफ़ी एशियन मेडलिस्ट हैं, तो उन्होंने देश को काफ़ी गौरवान्वित करवाया है। और अगर प्रेसिडेंट वो होती तो फिर दिक्कत ही क्या रहती, सीधा जो कंप्लेंट्स है लड़कियाँ वो वहाँ जाके कर सकती हैं इजीली। तो वही बात है, एक भी नहीं आई तो ज़्यादा की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बार बार यही कहूँगी कि अगर भागीदारी होगा तो बेहतर हो।